सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी संपत्ति सब खत्म हो गई और वो खुद भी कोढ़ी हो गया। तब उसके दोस्त उसको कोसते थे कि तूने पाप किया होगा, तभी ये विपत्ति तुझ पर आई है। तब परमेश्वर ने उसको बोला कि अय्यूब, तेरे दोस्तों ने मूर्खता की है, अब अगर तू उनके लिए प्रार्थना करेगा तो तभी मैं उनके पाप माफ करूंगा और तुझे भी चंगा करूंगा। बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब जो कुछ अय्यूब का खत्म हो गया था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना करके वापिस किया। मेरे प्रियो, जब पानी की टूटी में से जल निकलता है तो वो खुद सूखी नहीं रहती। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपके अंदर से जीवन जल का सोता निकलेगा तो मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा। मैंने जब सेवकाई को शुरू किया तो मैं खुद बीमार था, मैं एक के बाद एक बहुत से डॉक्टरों के पास गया पर मैं कहीं से भी चंगा नहीं हुआ। मैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और लोग गवाही के साथ वापिस आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने मुझे भी चंगाई दी। बाइबल में लिखा है कि नामान बड़ा ताकतवर सेनापति था लेकिन वो कोढ़ी था। एक छोटी सी इजरायली लड़की उसके घर में नौकरानी थी। उसने उसकी पत्नी को बोला कि अगर मेरा मालिक इजरायल के किसी परमेश्वर के दास के पास होता और वो उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता तो उसका कोढ़ खत्म हो जाता। एक छोटी लड़की अपनी मालिक की मददगार बन गई। बाइबल में लिखा है कि नामान जब उसकी बात सुनकर एलीशा के पास गया तो वो बिल्कुल चंगा हो गया, उसका कोढ़ बिल्कुल साफ हो गया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति अपना सोना चांदी गधों पर लाद कर एलीशा के पास गया ताकि चंगा हो जाए, तो क्या वो वापिस आकर उस छोटी इजरायली लड़की को भूल गया होगा? बिल्कुल नहीं। उस लड़की ने अपने इस प्रचार के द्वारा खुद उस गुलामी से छुटकारा पाया और वो खुद भी आशीषित हुई। आज आप लोगों ने कितने लोगों के लिए, कितने बीमारों के लिए प्रार्थना की? परमेश्वर ने कहा कि जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान नहीं देगा तो जब वो खुद परमेश्वर को पुकारेगा तो उसकी भी सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर ने अय्यूब को बोला कि जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे भी चंगा करूंगा, तुझे भी आशीषित करूंगा। आपको आज तक कुछ चीजें इसलिए नहीं मिली क्योंकि आज तक आपने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की। इसीलिए मेरे प्रियो, दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके साथ साथ आपको भी आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी सिखाए ताकि मैं दूसरों की आशीष का कारण बनूं, और जैसे अय्यूब ने अपनी खोई हुई चीजों को वापस लिया, मैं भी अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।